बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 20 दिसंबर है, जुमेरात है, मैं आपसे मुखातिब हूँ I40 न्यूज़ के मैनचेस्टर स्टूडियो से। और अमूमन हम बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, काफ़ी गर्मा गर्म वहाँ से खबरें मिल रही होती हैं, लेकिन यहाँ की जो मकामी जो इशूज़ हैं, ख़ासतौर पर ब्रेक्सिट का जो मामला है, रेफरेंडम 2016 के बाद अभी तक वो सॉल्व नहीं हो सका। अभी भी कल की जो डिबेट थी यहाँ की पार्लियामेंट में, वो भी काफ़ी गर्मा गर्म डिबेट थी। अभी तक कोई डील पे जा रही है ये हुकूमत, नया रेफरेंडम होगा, ब्रेक्सिट होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत से सवाल जो हैं हमारे जहन में उठ रहे हैं, और इनसे भी आगाही जो है हमारे लिए या हमारे नाज़रीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यूके यूरोप टाइम जो आज का सेगमेंट है, इसमें हम ब्रेक्सिट के हवाले से बात करेंगे कि ये है क्या, इसका कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और अभी क्या जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो टाइम है नेक्स्ट ईयर, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर सारे सवालात इस पर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में भी कुछ कानूनी जो मशवरे हैं वो भी लेंगे। दूसरा जो पैनल होगा हमारे साथ वो हमारा गेस्ट होगा, और उसमें जो ब्रेक्सिट के अलावा जो अमूमी तौर पे जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं उस पर भी हम आपकी टेलीफोन लाइंस भी खुली होंगी, आपकी राय भी लेंगे और उसको भी ज़रूर देखिएगा। पहले इस समय हमारे साथ तशरीफ़ फरमा ऐसे गेस्ट हैं किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो है लीगल जो अवेयरनेस है उससे मुतालिक वो प्रोग्राम करते रहे हैं। जनाब इमरान रिज़वी साहब हमारे साथ हैं। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू द शो। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और इमरान साहब लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक है, 3 मरतबा जो यहाँ पर काउंसलर रह चुके हैं, एडवाइज़र टू टोनी ब्लेयर जो सबका प्राइम मिनिस्टर थे उनके एडवाइज़र रहे हैं, और ब्रेक्सिट के मामले में यकीनन ये हमें और आप सबको मालूमात देंगे कि ब्रेक्सिट है क्या। टेलीफोन लाइंस दोनों हिस्सों में अब आगाज़ में खुली होंगी, आप भी शामिल हो सकते हैं ताकि आपके जहन में कोई सवाल हो, इमरान साहब से आप पूछना चाहें या अपनी राय देना चाहते हैं कि ब्रेक्सिट का कोई फ़ायदा है नुकसान है, तो इस पर आप भी अपनी बात कीजिएगा। इमरान साहब, क्या ये ब्रेक्सिट 2016 में रेफरेंडम हुआ उसके बाद से थोड़ा सा हमें समरी करके बता दें कि ये हुआ क्या और अब यहाँ पर किस स्टेज के ऊपर है? थैंक यू वेरी मच फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, थैंक यू। और इसमें यही होते हैं, लाइव डिबेट होती है जहाँ पे इंटरेक्टिव करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट उनको पता चले। इस वक्त पब्लिक को तो नहीं पता क्या हो रहा है, बिकॉज कंफ्यूजन फैला हुआ है। इधर पार्टीज जो है, पोलिटिकल पार्टीज, उनको भी एक मैस बना हुआ है। तो टोरीज में खुद अपना मैस चल रहा है, लेबर का अपने इश्यूज बन रहे हैं, हाँ करना। तो आपको बताता चलूँ, बेसिकली ब्रेक्सिट, पहले तो ये पता चले ब्रेक्सिट है क्या, व्हाट इज ब्रेक्सिट। सो ब्रेक्सिट मीन्स ब्रिटेन एग्जिट, ओके, उसको उन्होंने मिला के उन्होंने ब्रेक्सिट बना दिया, ठीक है। दैट्स व्हाट इट केम अबाउट। So he said in the Oxford Dictionary, अगर वहां देखा जाए ये एक लव्ज उन्होंने से उसमें डाल दिया है, as a Brexit now, as a proper word, ये नहीं तो जैसे हम निकनेम बना देते हैं, it's not like this, लव्ज बड़ा charming सा है, Brexit बड़ा एक lovely सा word बन गया, it sounds that way, yeah, it sounds very much like that, but what Brexit is mean, Britain exiting, okay, ठीक है ना, वो Oxford Dictionary में आ चुका है, जिस तरह आप अपने कोई भी लव्ज मालूम करना चाहें उस पर आप चेक करें what does this mean, so wo aapko pata chalega Brexit ka maane kya hai, so it has been entered into the Oxford Dictionary, okay. That's iska thoda sa batata chalu, aur apne viewers ko ye bhi batana zaruri tha aapke program ke through, that ye why did Brexit came about, kyun, to pehle to ye dekhe yahan pe aapko pata hai UKIP jo party the, UKIP independent party jo the, Nigel Farage ke, unhone ek issue banaya tha, main unka maqsad ye tha that yahan pe jo migration hai, jo log are from outside Britain, wo ek yahan pe aake jobs le rahe, security unki is under compromise, and they don't feel that the British people are getting a fair deal, borders have been relaxed and too many people coming in, us jo iska ek issue banaya tha, I'm going to fight for this issue. Uski one manifesto that we're going to stop the immigration. Uski wajah se yahan par aaye cultural match gaye, big issues ban chuke. People started to say, yeah, we need to do something about it. So yahan se shuru hota, phir karte karte, obviously time hamare paas itna nahi hoga. Uski zyada details mein jaye. To mutassir se main aapko bata deta hu. So then us time pe Conservative Party ka jo David Cameron tha leader in 2016 ki main baat kar raha hu. Ji ji. उसने क्या करा था, उसे he then decided that we should have a referendum. सही. उसको इतना कॉन्फिडेंस था, he thought, you know, the British public are going to back me up.
So David Cameron, the conservative leader jo tha in that period, mm-hmm. he then decided that Britain, we should go for a referendum. Mm-hmm. Up till then, ye to debate chal rahi thi, discussion hoti thi, migration control hoti hai, jis tarah home office karte hain, controls dalte hain, immigration pe sakti karte hain, aur us pe different unki policies nikalti rehti hain, jahan pe wo kanoon ko badalte rehte hain. As a lawyer, we deal with this every time. Ek example aapko deta chalun, jis tarah aapke visitor visa hai, unhone jis tarah aap us pe appeal nahi kar sakte, unhone refuse ho gaya then has been refused. You put fresh application. इसी तरह उन्होंने फीस बढ़ा दी, इसी तरह उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कर दी, जो टे फोर के थे उन्होंने उस पर डिफरेंट उन्होंने वो लिया बैंस, आपको ये क्वालिफिकेशंस होने, ये कॉलेजेस होने चाहिए. आई मीन those were the whole range of things that were, could have been done. Mm-hmm. But the Conservatives then decided, Tories under David Cameron, that we should have a referendum. सही. अब पूरी दुनिया को पता है रेफरेंडम हुआ. Yeah. बिग इशू बना हुआ था मुल्क में, दैट यूरोप बाहर से लोग आ रहे हैं, पीपल हू आर फॉरेनर्स यहाँ के जॉब्स ले रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बर्डन हो रहा है. उसी दौरान जैसे टोनी ब्लेयर के आप एडवाइजर भी, उनका बयान इन दिनों आया कि मिसगाइड किया गया उन दिनों लोगों को, बड़ा कि पता नहीं सब खा गए तो दूर लोग यूरोपियन खा गए या एशियन, तो पहले हमारे पाकिस्तानी ऊपर काफी टाइट रूल्स हैं, तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट मिसलीड किया गया उस वक्त. नो, आई थिंक डेविड जो टोनी ब्लेयर था, टोनी ब्लेयर वाज नॉट इन पावर. ओके, ये पावर वो तो रिजाइन, वो मतलब ही नाउ डन हिज सक्सेशन ऑफ हिज पार्लियामेंटरी टर्म्स, थ्री टर्म्स जी चुका था, व्हिच इज हिस्टोरिकल. लेकिन उसने एक व्यू पॉइंट दिया था अपना. हां, उसने दिया था, बट देन ही वाज नॉट द लीडर. वो लीडर नहीं थे, सो ही हैड टू देन कम अवे. एंड उनका एक लेगेसी रह गई थी इराक वॉर की. पीपल नॉट हैप्पी विद टोनी ब्लेयर दैट ही टुक अस इनटू इराक वॉर. Unnecessarily लोग मरे उसमें, पब्लिक मरे हैं उसमें, बेशुमार collateral damage हुआ है जिसमें उन्होंने कहते हैं other जो properties हैं वो damage हो रही हैं उसमें, लोग जो थे ना उसमें millions of people lost their lives. And not only that, the British personnel जो कहते हैं army वाले वो भी मरे. So he left a legacy of the people not happy about Tony Blair. वो उसका, although he was a very successful leader of the Labour Party, but I think that was the one big issue that the people of the Labour Party stuck in their mind. अब जब ये रेफरेंडम हो गया तो ये डेविड कैमरन प्राइम मिनिस्टर था, बट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. देखें आप ये देखें, प्राइम मिनिस्टर जो था ना, उसको पता था इस वक्त वो, ही फील्स दैट ही इज कैप्टन ऑफ द शिप, मैं इस तरह कर रहा हूँ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. ही फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट. और उस वक्त लेबर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? या रेफरेंडम में पार्टिसिपेट था वो, they were split. Labour का यही था that we're going to win, we're going to remain. अभी तक लोग यही सोच रहे थे, Europe is a very important aspect of a European Union. ये European Union का भी मकसद मैं चलने बताता चलूंगा अभी एक मिनट में. पहले तो ये देखें, referendum में ये देखना था that उनका outcome क्या था. Outcome इनका ये था that whatever the results going to be, are we going to be in or out? तो जो referendum में उन्होंने जो रखा था, उन्होंने ये रखा था leave या remain, याद है यही था. So the public now are fully aware that when you had the results जो ये 23rd of June 2016 में जो आता, उसमें आपने देखा जो leave के थे, they won. Okay, उनके 51.9%. Okay, बहुत narrow था, very narrow, absolutely. और जो remain थे, there was 48.1% approximately. तो आप देख ले, very close था. जी, so half the public, the British public was out, we should leave. They were 40.1 must remain. उस टाइम पे था जब हाइप थी उस वक्त के, हमने जो है वो निकलना है वहां से. मगर ये देखें आप, डेविड कैमरन को, he wasn't forced into this referendum. David Cameron को pressure था. As a political leader, he's under pressures to look at the other parties. मतलब इसकी जो इनकी टोरीज की पार्टी थी, उनको इमिग्रेशन कंट्रोल करना था. देखिए टोरीज की जो पॉलिसीज हैं, दे हैव बीन वेरी मच नेगेटिव इन द सेंस, हाई लेवल की उनके पास सख्ती उन्होंने करी है. दे हैव बीन, उन्होंने जो टैक्स रिजीम बनाया वो रिच उनके, उन्होंने कंसेशन रखे थे गरीब लोगों के, उन्होंने हार्ड रखा था. जो रियलिटी है, डेविड कैमरन डिडंट नीड टू डू दिस, लेट्स बी क्लियर. सही, अभी पब्लिक देख रही, नाज़रीन देख रहे, देयर वाज नो नीड फॉर दिस रेफरेंडम, ही डिडंट नीड टू. ठीक है, वो अपनी पॉलिसीज करते जिससे पब्लिक कानून बदलता है, इस तरह से तब्दीली लाते रहते फॉर द बेनिफिट एंड इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन. बट ही वेंट अलोंग एंड ही वाज शॉक्ड जब रिजल्ट आए. तो बात ये दैट डेविड कैमरन लॉस्ट,
उस पे उसे क्या ओके आई वाज इन एक्सपेक्टिंग दैट वी यू नो आई टुक दिस सम मैं फिर रिजाइन करता हूं ठीक है बड़ी बात है क्राइसिस बन गया उस वक्त हां मगर आप ये देखें इनकी जो बात है जो इनके लीडरशिप की क्वालिटी है तो उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया उस पर उसने अमल भी करा उसने कहा आई टुक दिस रेफरेंडम एंड फॉर दैट रीजन आई वाज वांटेड टू रिमेन वी नेवर गॉट द रिमेन हार गए आई रिजाइन अब आप देख ले जो पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज उधर तो नहीं होता मामला नहीं मान आपको तो अड़े रहो तो अड़े ही रहो सही बात ये बात है सही तो यहां जो एटलीस्ट इनकी क्रेडिबिलिटी देखे उसने ही रिजाइन व्हिच इज ऑनरेबल थिंग व्हिच ही डिड So I think we got to look at which अच्छा उससे आगे फिर टीजा में आ गई और टोरी के अंदर भी एक ग्रुप था ऐसा कि जो इसके हमायत में था कि हमने ब्रेक्सिट करना है exactly. मैं कॉल भी एक ले लूं उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन थोड़ा बड़ा दिलचस्प मामला है हम हमेशा इससे लातालों की रहते हैं हमेशा नवाज शरीफ जरदारी साहब के पीछे जो लगे रहे हैं लेकिन यहाँ के जो व्यूवर्स हैं थोड़ा पता तो हो क्या रहा है यहाँ पे तो इमरान साहब का एक वसी तजर्बा जैसे यहाँ के पॉलिटिक्स के हवाले से तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है इनके आने से मैं कॉल का आगाज़ करता हूँ पहले कॉलर हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी अहमद साहब ये जो सवाल मैं करना चाहता था आपने कर दिया जी चलो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें जी लेकिन हमारी जबान में जरा ज्यादा करें समझ आएगी ज्यादा सबको ठीक है मेरे जैसे जर्मन जबान में या उर्दू जबान उर्दू जबान अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो दूसरा इनके पास जब हम आते हैं मैं अक्सर आता हूँ हर साल आता हूँ लंदन ठीक है ब्रिटिश साहब से मेरी अक्सर मुलाकात होती है वहाँ पे तो मैं देखता हूँ कि हमारा इधर यूरोपियन ममालक के जो वजारा भी हैं ये इनका स्टेटस भी वही था तो इनको कोई खौफ भी नहीं होता आम पब्लिक में घूम रहे होते हैं फिर रहे होते हैं लेकिन हमारे जो वजारा हैं वो जो चोर मचाए शोर जो सबसे बड़ा बेईमान होता है वो सही। उसकी स्कूटी भी ज्यादा सही। और उसका वो जो माल यानी टोटली निजाम ही अलग अलग है बिल्कुल सही है साहब इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह तो जी सर ट्रिज्म में आ गई उसके बाद वो बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन कर रहे थे वेरी इंटरेस्टिंग मजा है उनका क्वेश्चन सुनने में मगर आप ट्रिज्म में जो आपने बात करी देखें ट्रिज्म में जब आई ना शी पिक्स अप ऑन और वो एक अच्छी वुमन आफ्टर मैग्रेट थैचर के बाद ठीक है तो उसकी एक पॉपुलैरिटी भी नहीं थी और थी भी बिकॉज वो आई थी एज अ वुमन एज अ वेरी उस पे आई थी दैट दे नीडेड चेंज उनके पास लीडरशिप की प्रॉब्लम्स हो रही थी कंसर्वेटिव पार्टी अभी तक उनके पास कोई कोई स्ट्रांग कैंडिडेट था नहीं एज ए होम मिनिस्टर भी उनका एक कॉन्सेप्ट उनका पहले से ही वो पता था एब्सोल्युटली ये टाइट कर रहे हैं हर चीज को आप देखें जो उनसे पहले जो थे उनके जो लीडर्स आए कंसर्वेटिव पार्टी के दे वर वीक वो कमजोर थे उनकी ना पर्सनैलिटी थी डेविड कैमरन जिस थोड़ा लिटिल बिट उसके अलावा आप देखें जब टोनी ब्लेयर था ही वाज कैरिज्मेटिक ही हैड अ पर्सनालिटी ही वाज वेरी कन्विंसिंग तो कंसर्वेटिव वाज लैकिंग दैट और डेविड कैमरन वाज न्यू उसके पास वो क्वालिटी नहीं थी जो टोनी ब्लेयर के पास थी एज अ लीडरशिप क्वालिटी एंड जब वो जब वैक्यूम आया थ्रीज़ में जब आए तो उसका ये था दैट द टोरीज़ वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ क्रेडिबल A leader. तो आप ये जब इन चीजों का नजर रखेंगे तो थ्रीज़ा मे के साथ जब आई उस टाइम पे she was like was not the favorite because वहां बोरिस जॉनसन भी थे जिनको अपना डालना था तो वहां टसल चल रही है ऑलरेडी ठीक है दिस इज द पॉइंट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मेक तो थ्रीज़ा मे जो ने she was already fighting within the party because वहां पे थे बोरिस जॉनसन और भी थे जो टोरीज के जो चाह रहे थे वो लीडर्स बने सही अच्छा वो जो फाइट थी वो लीडरशिप के लिए थी या ब्रेक्सिट के मामले में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था ब्रेक्सिट से पहले उनका आपस एज ए लीडर का मसला था उनको एज ए लीडरशिप वहां तो कंट्रोल की बात है ठीक है जिस तरह आप देखते हैं हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती है वहां लीडर की सब एक दूसरे के पीछे लग रहे पर यहाँ थोड़ा सा सिस्टम के काम कर रहे थे क्लीन नीट तरीके से कर रहे थे पर उनकी जो एस्पिरेशंस होती है वो वही होती है हमें लीडरशिप मिल जाए वी बिकम द लीडर्स दैट्स व्हाट आई वांटेड सो द व्हाट हैपेंड थ्रीज़ा मे देन थ्रीज़ा मे जब आई पावर में सो शी हैज द पोजीशन टू पिक अप जो मेस डेविड कैमरन ने करा वो उसे डील कर रही है Now she, उसका पोजीशन मैं बता दूं, although वो हमारी पार्टी की नहीं है मगर थ्रीज़ा मे कहता है वी शुड रिमेन ठीक है वो कैंपेन थी वी शुड रिमेन उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू था वी रिमेन इन यूरोप
अच्छा मगर अब वो जब लीडर में आ गया, नाउ शी इज अ नाउ शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो वो शी हैज टू फॉलो द रेफरेंडम रेफरेंडम जो भी आउटकम था। हां तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज़ रेफरेंडम हैज सिग्निफिकेंटली हैज नाउ बिकम द लॉ, वो आ चुका है। पब्लिक ब्रिटिश पीपल हैव वोटेड ऑन दिस रेफरेंडम, ठीक, तो उनका ये कंसेंसस ये थी वी शुड लीव, वो उसको लेके जा रहे बिकॉज वो एक बात हो चुकी है, उस पर रिजल्ट भी आ चुके हैं। सो दैट वाज यानी उसको लेके वो चल रहे थे, फिर आगे डील और ये क्या मामला हुआ, मैं एक और कॉल ले लूं, ठीक है, इसके बाद ये समझते हैं कि फिर ये क्या अब इस वक्त जो मसला चल रहा है उससे पहले थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं इमरान साहब, लेकिन एक और कॉलर में शामिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, क्या आप कहना चाहेंगे सर ब्रेक्सिट के मामले में? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बात ये जी, ये ब्रेक्सिट है ना जी, अवाम को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सही है, इलेक्शन के बाद है ना अवाम को नफे नुकसान का पता चला है। जी अगर अब दोबारा इलेक्शन होता रिजल्ट और आएगा, ठीक है, मेरा हाल दो तीन बार इलेक्शन के बाद फैसला करना चाहिए था। बेस्ट ऑफ थ्री हो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया। ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि पहले अवेयरनेस नहीं थी, बस यही था सारे यही खा गए यूरोपियन या ये पता नहीं क्या हम दे रहे हैं इनको, लेकिन बाद में अभी होश आई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर ये दो तीन इलेक्शन के बाद होता है वुड हैव बीन अ डिफरेंट रिजल्ट। सही, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देखिए लेट्स जस्ट गो बैक, इसका ये देखना है व्हाट इनका पर्पस क्या है। सो जो इस वक्त हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, सब यहाँ से यूरोप से उनको बेसिकली निकलना है, ठीक है, ब्रेक्सिट मीन्स एग्जिट यूरोप, ठीक है ना, ईयू जिसे कहते हैं। नाउ अब उसके जो नुकसान क्या है फायदे क्या है वो कम से रहा है ना मैंने, तो पहले तो ये बताते व्यूज जो अभी ज्वाइन करा उनको ये पता होगा ब्रेक्सिट द ब्रिटेन कमिंग आउट ऑफ द यूरोप इज एन एग्जिट, ये कब था, ये था 23 जून 2016 में रेफरेंडम हुआ है जिसपे वोट हुआ है जिसपे ब्रिटिश पब्लिक ने वाजे तौर पे क्या है वी शुड लीव, ठीक है ना। नाउ अब पार्टीज का डिफरेंट वोट चल रही है, जॉसलिन हो रही है तो पोजिशन पे वो स्कोरिंग करे अपने पोजीशन बनाने के, तो टोरी के अंदर इस वक्त ग्रुप बनी हुए जिन्हें कहते हैं ब्रेक्सिटियर्स, उनका नाम निकला है, एक और नाम है विद इन द नेम ब्रेक्सिटियर्स, ब्रेक्सिटियर्स। अच्छा, तो वो ब्रेक्सिटियर्स हैं एमपीस, ठीक है, जो कहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ठीक है, हर कोई भी पोजीशन हो जाए वी आर आउट, हमें आउट ही होना है। ऑलराइट, तो वो है ब्रेक्सिटियर्स, उनका हार्ड लाइन है। अच्छा, तो जो इस वक्त जो थ्रीजम एक जो प्रॉब्लम चल रही थी वो जो चल रही है वो हार्ड लाइन है जो है ना, उन्होंने उस पर प्रेशर डाला भाई, ठीक है, बिग इश्यू, वो स्प्लिट है इस वक्त पार्टी, एंड यू ओनली हैव, अभी उनका नो कॉन्फिडेंस भी था। हाँ जी, 117 उनके, या वेरी गुड, या एब्सोल्युटली, आप ये आपने जो चल रहा है एग्जैक्टली, तो आप ये देखें जो थ्रीजम है जब उस पर नो वोट्स नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, वो ऑब्वियसली वो यूरोप में जा रही है, शी इज ट्राइंग टू पुट द बेस्ट डील फॉर ब्रिटेन, जो भी करना चाह रही है। अच्छा, डील क्या, एक तो है ब्रेक्सिट हो जाएगा, थोड़ा सा डील का बता दें, गुड डील बैड डील, आपने बहुत अच्छा, गुड डील एंड बैड डील, मगर ये व्यूजर को पता होना चाहिए जो ये जो गवर्नमेंट थी लाइक थ्रेसा मे व्हेन शी इज जो चल रहा था इश्यूज अराउंड दैट वन, सो शी केम बैक, ये जो वोट नो कॉन्फिडेंस के मैं बताता चलो फेश कर दूं, प्लीज, ऑब्वियसली शी कैन लॉस दिस, उस टाइम इनकम था वो हार जाएगी बिकॉज इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हो चुका है, जो वो ब्रसल्स जा रहे हैं वो उनकी हार्डलाइन है, वो कह रहे हैं हम चेंज नहीं करेंगे, सही, यू डिसाइडेड, हम तो अपने निगोसिएशन नहीं बदलेंगे, सही, तो थ्रेसा मे एक पे प्रेशर था, इधर वो यहाँ घर आके तो वापिस आ रही यूके में तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, सो इट वाज अ डेंजर शी मे लूज, अगर वो लूज करती देन दैट वुड मीन देयर वुड बीन अ लीडरशिप कॉन्टेस्ट, लीडरशिप कॉन्टेस्ट होते लेबर पार्टी उनसे कहते हैं वी वांट टू कॉल द गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन, जो जो अभी व्यूअर की जो कॉल आई थी वो कह रहे थे कॉल आई जो वो कह रहे थे इलेक्शन हो जाए, सो आप ये देखें द In reality, that never happened. अगर वो हार जाती तो फिर different options निकलते, ठीक है, तो वो हारी नहीं, वो जीत गई, वो comfortable जीत गई है, she won comfortably, 2-1 जीती है, in factual जो बात है, so she won a vote of no confidence. तो ये आपने क्या good and bad, well it's very confusing because इनको जो politicians हैं उन्हें खुद नहीं पता इस वक्त वो क्या करना है, they themselves not fully aware and into क्या होना चाहिए, because
ایک بندہ دس چیزوں میں سے دو چیزوں کو پسند کر رہا ہے, ایک اس میں سے بالکل ہی نہیں پسند رہا, ایک کہہ رہا ہے 50%, 50%, 50%, تو یہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے پارٹیز کے اندر, کیا ہو رہا ہے, دس از واٹ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. ہم اپنے ویوزر کو بتاتے چلتے ہیں وائی دس از امپورٹنٹ, بیکاز ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, وی لیو ان یورپ, وی لیو ان انگلینڈ, یورپ سے آؤٹ ہوں گے, بٹ وی آر ان سرکل پارٹ. تو اس وقت یہ آپ نے کہا گڈ اینڈ بیڈ, آئی لائک دیٹ. تو یہ بھی کہتے ہیں سافٹ بریکزٹ, ہارڈ بریکزٹ, گڈ اینڈ بیڈ, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں. تو بیسکلی اگر آپ دیکھیں اف دی لک ایٹ دی واٹس دی امپیکٹس گونا بی, اگر یہ بریکزٹ سے نکلتے ہیں, سو گڈ اینڈ بیڈ کی بتا رہا ہوں, تو بیڈ آتا ہے, اس کا بھی ایک بیڈ امپیکٹ آن اکانومی. اچھا, مور بیڈ ہے جی اور گین کم ہے اور بیڈ کم آئے گا. اب اس کا میں بتاتا ہوں, ریزنز بتاتا ہوں, دیز آر سم آف دی ریزنز واٹ وی ہیو ٹو. اچھا, ایک کال لے لو آپ. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق بھائی, تعظیم نقوی بول رہا ہوں. جی مہربانی نقوی سر, بہت شکریہ. عمران رضوی صاحب کو بھی بہت بہت میرا مؤدبانہ سلام کرتا ہوں. جی, گزارش یہ کہ بریکزٹ کا جو بڑا اچھے طریقے سے عمران بھائی جو ہے نا وہ ایکسپلین کر رہے ہیں اور بڑی سادہ الفاظ میں آ رہی ہے سمجھ میں. جی جی. لیکن میں آپ سے ایک پوائنٹ کرتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جو نئی امیگریشن پالیسی ڈکلیئر کی ہے جو 2020 سے لاگو ہوگی, ٹھیک ہے, عمران بھائی لا کا پروگرام بھی کرتے ہیں, آپ دیکھیں اس میں کچھ فیئر امیگریشن کا چانسز نظر آ رہا ہے. پریزنٹلی جب آپ یورپین یونین میں تھے, آپ دیکھیے کہ ایک یورپ سے کوئی آدمی آ رہا ہے, اسے نہ انگلش کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے, نہ اسکلس کی ضرورت ہے, وہاں کے یہاں کام کرے یا نہ کرے بینیفٹ لے سکتا ہے. ایک یورپین اپنے اسپاؤس کو بلانا چاہتا ہے, اس کے لیے کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے. ایک پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی اپنے اسپاؤس کو بلانا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے بریکزٹ میں جو انفیئر امیگریٹ اس نے افیکٹ کیا. دوسری بات یہ کہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب دو سال کے بعد اگر بریکزٹ نہیں ہوگا تو اگلے پانچ سال یا آٹھ سال کے اندر جو فائنینشیل کنسٹرین ہے وہ کیا ہوگا, اور اگر بریکزٹ ہو جائے گا تو دو یا پانچ سال کے بعد فائنینشیل گین کیا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس انفیئر امیگریشن پالیسی کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ این ایچ ایس پہ بھی برڈن بڑھ رہا تھا, اسکولس پہ بھی, کیونکہ جب لوگوں کے آنے فری موومنٹ ہے, لوگ آ کے یہاں رہ رہے ہیں, کرائے بڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ رجسٹر کرا سکتے ہیں. یہاں پر اگر میں اپنے اسپاؤس کو بلاؤں تو اس کو 300 پاؤنڈ پر ایئر کے ساتھ میں اس کو چارجز دوں. تو یہ ٹوٹلی امیگریشن, انفیئر امیگریشن پالیسی کی وجہ سے بریکزٹ جو ہے وہ فائدہ مند نظر آ رہا ہے. اگر یہ صرف اپنی امیگریشن پالیسی کو فیئر کر لیتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ اوور آل بریکزٹ کے لیے لوگ ووٹ کرتے. میرا اپنا خیال ہے, عمران بھائی بہت اچھی بات, لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا بہترین. تعظیم نقوی صاحب بہت شکریہ, لندن سے آپ شامل ہوئے, ناظرین اہل بیت ٹی وی پہ مختلف پروگرام کرتے ہیں, تو بڑا اچھا پوائنٹ دیا, کچھ نہ کچھ گین کے حوالے سے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ این ایچ ایس پہ, اسکولس پہ برڈن رہا ہے, یہاں سے یورپین کوئی بھی آئے وہ سب بینیفٹس اور یہ اویل کرتا تھا پہلے, ابھی تھوڑا سا کوئی فائدہ ہوگا, یعنی فائدہ تو ہوگا لیکن چار پانچ سال کے بعد تھوڑا ہمیں اس کا پھل بھی ملے گا. بالکل صحیح. جو ریالٹی جو ابھی جو کال آئی تھی اپنے نقوی صاحب کی, انہوں نے بہت اچھی بات کہی, اینڈ ہی از رائٹ, بیکاز دیئر ہیز بین ڈسپیرٹی, مطلب اس میں ڈفرنٹ رولز ہیں, ڈفرنٹ ریگولیشن چلے ہیں فار یورپ کے, یورپ میں تو کچھ ہے, آؤٹ سائڈ یورپ کچھ اور, پھر برڈن کو انہوں نے بات کری, لیٹ می جسٹ بریک اٹ ڈاؤن لٹل بٹ. اچھی بات انہوں نے کہا, تو برٹن جو ہے ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے, اٹس اے اسمال لٹل کنٹری, اور ان پہ آپ کو پتا ہے اس وقت ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن بھی ہو چکی ہے, یہاں پہ جو آپ سب کو پتا ہے کرائسز ہوئے ہیں, جہاں پہ جو بینکس کرائسز ہوئے ہیں, جہاں پہ ورلڈ اکانومی جو تھی گراؤنڈ زیرو لیول پہ پہنچ گئی تھی, رائٹ, اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. سو جو آبویسلی جب یورپین سے لوگ آ رہے ہیں, جو نئے ممبرز بنے ہیں, نیو ممبر اسٹیٹس جن کو انہوں نے اسے ایکسیپٹ کرا تھا, اس کی وجہ سے ان پہ برڈن بنا تھا آن دی نیشنل ہیلتھ ایجوکیشن. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے, ہوئے گا, دس از ریالٹی, دس کین ہیو اے نیچرل امپیکٹ آن دا ریسورسز, تو کنٹری ول سفر ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. اچھا نقوی صاحب گلاسگو سے, اور یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہوگا کیونکہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ شروع سے ہی بریکزٹ کے خلاف ہے, وہ یورپ کے, تو اس اگر بریکزٹ ہو جاتا ہے تو کیا گریٹ برٹن اور اسکاٹ لینڈ اور وہاں پہ وہ بن پائے گی آپس میں ان کی, یا وہ بھی پھر معاملہ اور زیادہ ٹوٹے گا؟ جی نقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کے مہمان کو بھی سلام. جی مہربانی, بہت شکریہ. فاروق بھائی, ہم بات
باتیں آپ کی سن رہے ہیں, کافی انفارمیشن مل رہی ہے. لیکن بات صرف یہ تھی کہ پہلے آپ تو آپ نے ایک ممبر ہی بلایا ایک پارٹی کا جو اپوزیشن کی پارٹی کے ممبر ہیں, اس کے ساتھ حکومتی پارٹی بھی لے آتے ایک ممبر, تو میرے خیال میں ابھی آج وہ انفارمیشن ہی آج مل رہی ہے ہمیں. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی ہم نے سنا ہے بھائی صاحب سے بھی, وہ تو اپنی پارٹی کے ہونے کی وجہ سے وہ موقف کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ جس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بھائی صاحب نے جو کہا جو بتایا بڑے اچھے طریقے سے انفارم کیا ہمیں, لیکن چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. ضرور دکھائیں جی تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ شروع سے مخالفت کرتا آیا ہے, اسکاٹ لینڈ نے شروع سے مخالفت کی اور ابھی تک مخالفت کر رہا ہے. جی اور ہم اسکاٹش ہیں, اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ سیاست کہاں جا رہی ہے اس وقت. ٹھیک, بات صرف اتنی ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بریکسٹ نکلنے سے ہمیں یہ نقصانات ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن نقصانات کو ہم عام آدمی جو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے, وہ جو حکومت میں بیٹھی ہے وہ بھی تو سوچ رہی ہوگی ان باتوں کو. اب اس کے توڑ کے لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو امیگریشن کا جو لا شروع کیا ہے, امیگریشن کے مطلب جو سلسلہ شروع کیا ہے, وہ ایک ہی پہلی کڑی کو پیش کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مخالفت کے ساتھ ساتھ بریکسٹ سے نقصانات کے ساتھ ساتھ وہ اس کے فائدے کے لیے بھی اس طرف کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں تاکہ ملک پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے. اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ ان کی یہ پالیسی جو ہے جو ساتھ ساتھ چلا رہی ہیں تاکہ ملک پہ بوجھ کم ہو جائے, اس کے لیے بھی وہ اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تک عوام مطمئن نہیں ہوتے, جب تک عوام کو اس کے فائد ان تک نہیں پہنچتے, تب تک عوام ان کے ساتھ متفق نہیں ہے, چاہے وہ لیبر ہو, چاہے وہ ایچ این پی ہو, اسکاٹ لینڈ کی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. کیونکہ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے اپنے جو ممبر ہیں یا اپنے جو عوام ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ ہو. وقتی طور پہ ہمیں بریکسٹ سے نکلنے کے بعد ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اور نقصان ہی نظر آ رہے ہیں ہمیں وقتی طور پہ, صحیح ہے. لیکن جس چیز کو عمران خان کی طرح کہ آج مہنگائی ہے تو 6 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی تو ہم ٹھیک کر لیں گے, یعنی جب اپنی باری پاکستان کے سیاستدانوں کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آج مہنگائی ہے تو کل ٹھیک ہو جائے گی. ادھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی نہیں جی ابھی نقصان ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کل. تو یہ دو چیزیں ہیں آمنے سامنے جو آتی ہیں نا متضاد قسم کی, اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عوام جو جو اس وقت یو کے کی عوام ہے ان کو وقتی طور پہ کیا نقصان اور کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور آگے جا کے ان کو کیا نقصان اور فائدہ ہوگا, اس کے لیے بات کرتے ہیں جائیں گے قانون وہ کیا فائدہ دے. صحیح ہے سر, میں بھائی سے یہ کہوں گا کہ آپ اس طریقے سے تجزیہ کریں کہ جس میں ہمیں پتا چلے کہ لانگ ٹرم میں تھریسا کی کیا پالیسی ہے, وہ کیا چاہتی ہے لانگ ٹرم میں جا کے عوام کو دینا چاہتی ہے, اور لیبر جو ہے وہ اس کی مخالفت کن بنیاد پہ کر رہی ہے, اور وہ بنیاد جو ہے کیا لیبر اس میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے, وقتی طور پہ جو نقصان ہے اس پہ بات کر رہی ہے یا لانگ ٹرم میں جو ہوگا اس پہ بات کوئی لیبر کی پارٹی کا نہیں کر رہا, اس پہ بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ضرور کرتے ہیں بعد میں کیا ہوگا اور فائدہ ہوگا اور آج کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان کیا ہے, اس پہ تھوڑی اچھی بات سر. بہت شکریہ نکی سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. شارٹ ٹرم کیا فائدہ ہے, لانگ ٹرم کیا فائدہ ہے, اور شارٹ ٹرم پہلے سے یہ پتا تھا چلو یس میں کوئی لیبر پارٹی کی طرف سے نہیں جنرل, میں تو جنرل پبلک کی انفارمیشن دے رہا ہوں. یس میرا رول ایز اے سولیسٹر بھی ہوں, آئی نو دیز تھنگز امپیکٹ ہوتا ہے, وہ بھائی نے بہت اچھی باتیں کہیں. نو ایک دو میں باتیں پتا سے چلتا ہوں. اسکاٹ لینڈ وینٹ فار ریمین, ناردرن آئرلینڈ وینٹ فار ریمین, ان کا پوزیشن یہ تھی, ویلز ریمین, ان کا ریمین ریمین, تو بات انہوں نے بالکل صحیح کی, مگر ان کی ایک بات یہ تھی اس سے فائدے کیا ہے, نقصان کیا ہے, کیا امپیکٹ ہونا ہے, بات کو کیا ہونا ہے, وی ڈونٹ نو. مگر ریالٹی کیا ہے فاروق بھائی, بات یہ اس کا ریزلٹ کیا کیا امپیکٹ ہوگا اگر یہ بریکسٹ نکلے. پہلے تو وہ پوچھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم یا ابھی کیا امپیکٹ ہوگا, امپیکٹ یہ ہوگا جو امپیکٹ یہ ہوگا جو ان کی جو ٹریٹیز ہیں نا جہاں پہ یہ گڈز اینڈ سروسز چل رہی ہیں اس پہ کاسٹ بڑھے گا. تو یہاں کی جو آپ کی فائنینشیل جو انسٹیٹیوشن جو آپ کی یہاں بزنس ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں یورپ پہ, ٹھیک ہے. سو یہاں میڈیسن آ رہی ہے, یہاں پہ
कमर्शियल जो चल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे हैं, देर आर बेस्ड इन यूरोप, यूरोप कंट्रीज से इनका एक एग्रीमेंट है, तो जब आप वहां से निकल जाएंगे तो आप क्या नहीं समझते ना, कॉस्ट ऊपर नहीं हो गए, वो कहेंगे यूर आउट ऑफ द क्लब, अब जो हमारे मेंबर क्लब था ये अब उसके तुम मेंबर नहीं हो, तो तुम उनको वो राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते, तो आप पैसे यहीं पर इमरान साहब कॉस्ट तो है थोड़ी वो बढ़ेगी जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन एक जो अमाउंट बचेगा जैसे वो बेनिफिट की बात की भाई ने, एनएचएस में जो खर्चे इधर उनके आने से बढ़ते थे, स्कूल्स में बर्डन, तो उससे जो आपका माल बचेगा आपका कुछ फायदा नहीं होगा इससे? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, दिस इज द, ये जो थी ना ये टोरीज की जो ना ये सोच उनकी स्कैम मॉन्गरिंग थी, ठीक है। बोरिस जॉनसन ने कहा 350 मिलियन पाउंड अ वीक हमारे पास बचेगा इसकी ब्रेक्सिट निकले, दैट वाज अ लाई, पर वीक ही सेड नाउ वी गॉट टू सेव दिस मच, वी गॉट टू सेव दैट काइंड ऑफ मनी और हम एजुकेशन में डालेंगे, एनएचएस में डालेंगे, तो नाजरीन को भी बताया दैट वाज अ गिमिक, वो ये पॉलिटिशियंस ने यूज करा गया था, इन रियलिटी वाज इन लाइक दिस, तो बात ये देखे अगर देखा जाए तो उसका क्या है, यस इट हैज एन इंपैक्ट बिकॉज इट्स कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म, जो पहली कॉल आई थी कॉल से आने से पहले वो कह रहे थे हेल्थ सर्विस पे, था उसी ये कहते हैं हेल्थ टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म का मतलब ये तो आप आते हैं टूरिज्म पे यहाँ के एनएचएस को यूज करके चले जाते फिर वापस चले जाते, उसको उन्होंने टर्म डाली थी हेल्थ टूरिज्म, तो बात ये ऑफ कोर्स इज गोना हैव एन इंपैक्ट होता है, मगर लॉन्ग टर्म में आप ये देखें द बिजनेसेस विल सफर, द जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूरोप वर्ल्ड की इस वक्त जो हब है फाइनेंशियल वो लंदन है, ठीक है, so London is a financial hub, 80% of the European jo deals ho rahe hain wo yahan se ja rahe hain, theek hai, jab ye nahi rahega to uska natija kya hoga mujhe bataye, the results going to be these institutions you're going to get yahan se chali jayegi back to Germany, back to France, wahan ja ke set up unka phir apna chalega, so it will be a disadvantage, cost badhegi aur yahan pe jo crisis hai wo aur badhengi, let's be reality, jo haqeeqat hai wo dekhe, theek hai, तो आई पर्सनली जो आप जो क्वेश्चन है वेरी वैलिड बट दैट इज व्हाट्स गोना हैपन, सही है। अच्छा एक अभी जो फिर जो आपने इसके प्लस और नेगेटिव ये दोनों बताए, 5-6 मिनट ही रह गए सिर्फ, थोड़ा सा भी करंट जो सिचुएशन है, कल बड़ी डिबेट हुई, हॉट डिबेट थी और टेरेसा मे कह रही थी उनको कॉर्बन साहब को कि आपके पास तो खुद प्लान ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उन्होंने एक वो वर्ड कहा स्टूपिड वुमेन, वो भी हमें अच्छा लगा एज ए पाकिस्तानी के, चले इधर भी कुछ गालम गड़बड़ होती है इस तरह के भी कमेंट्स अच्छा लगा बड़ा, आई थिंक बहुत अच्छा आपने इस तरह से क्वेश्चन रखा है, बट इन रियलिटी एंड जो ये जो प्राइम मिनिस्टर टाइम में जो ये डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, तो जो जर्मी कोबिन उससे ये उनको खुल के नहीं गया, उससे बैठे हुए बात कही, उससे एक जिस तरह के बैठे हुए हल्के जैसे आप इस तरह से ओपनली पर इस तरह के कॉमेंट्स नहीं होना चाहिए, लेट्स बी क्लियर, शुड हैव बीन, पर जर्मी कोबिन हैज सेड ही डिडंट से दिस, ऑलराइट, तो अब हमें हम जो पब्लिक है जो बंदा खुद कह रहा मैंने नहीं गए जान छुट्टी, हाँ तो लास्ट कॉल ले लो इस पार्ट के बाद आपका वाइंड अप करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरे भाई बड़ा अच्छा किया फोन उठाया, मैं आपसे ये ब्रेक्सिट के बारे में मुझे इतना ही पता है कि हम नेटो से निकल जाएंगे तो हमारी बहुत बचत होगी, जो नेटो कहीं ना कहीं किसी मुल्क को मारती रहती है कत्ल से भी बच जाएंगे, मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जुल्फी बुखारी आया हुआ काम पेस्टल लंदन में जो इमरान खान ने बैरूनी मुल्क का जो उसको चेयरमैन बनाया, तो इसको कहीं से निकालो और सामने लाओ और लोगों के मसले मसाइल सुने यार, तब हम मानेंगे कि तब्दीली आ गई है, आ जाएगी बिल्कुल, उस तब्दीली का जो फैक्टर है वो बाद में करेंगे, जो बजट की नेटो फोर्सेस से भी अलग होंगे और अभी कुछ देखो आम से थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं, विल नीड टू किच एट द मोमेंट थोड़ा बता अच्छा दें क्या होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर या अब ये होगा करंट क्या, ये अब थ्रीज़ में शी इज गोना द प्रपोजल जो ये यूरोप से लेके आई, इन समरी थ्रीज़ में लेके गवर्नमेंट को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेगी, ये मैंने नेगोशिएशन करें फ्रॉम यूरोप, इन जो इन्होंने कह रहे थे उनकी जो डील से जो जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहती थी रसवाशिवा ने, तो वो आके पार्लियामेंट को लेके आएगी, पार्लियामेंट उस पर भी वोट करेगी, ओके उस पर फिर रिजल्ट आएगी, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे उसका डील या वो रिजेक्ट करेंगे, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो दैट्स इट, देन इट्स गोना बी अ पोजीशन
Theresa May can lose her position as a leader. Okay. फिर वो leadership का भी question आ रहा है. फिर आएगा general election. जो Labour Party होगी वो push करेगी that we should have a general election. और फिर general election जो आएगा जो पहला caller जो second caller थे उन्होंने कहा था we should be given a second chance. ये आती है May possibly second referendum. ठीक है. उस वक्त Labour Party push करी. इस वक्त Lib Dems का भी यही है. Labour Party की strong position है. We should have second referendum. Second referendum में ये should we remain? Should we go out? वो ये बातें करेंगे. तो ये होंगी के possibilities. अगर Theresa May जीती है, then that will become the Article 50 जो ने trigger करी थी. Article 50 जो is a legal terminology for the Britain to leave Europe. जिसे कहते हैं divorce वो कहते थे. सही. उसका इनका bill जो वो भरेंगे, they have to जो penalties हैं ना देना पड़ेंगे, around about approximately 40 billion pound हैं ना देना ही. अच्छा. Around about 40 billion pound. सही. So let's just look at it facts. अच्छा अभी next जो है deal के हवाले से parliament में Theresa May उनको MPs को एतमाद देने की कोशिश करेंगे. Next month Theresa May address करेंगी. और उसपे वोट होगा. वोट होगा फॉर पार्लियामेंट. और अगर वो पार्लियामेंटेरियन पास कर देते हैं फिर क्या होगा? तब वो उस डील की तरफ आगे फिर वो निकल जाएंगे. ठीक है. दैट मींस वी कैन लीव विद अ डील. जो भी से डील लेके आए जो भी होगा. ठीक है. एट द मोमेंट वी डोंट नो व्हाट द रिजल्ट्स गोना बी. मगर वो डील वो रखेंगे तो पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट विल देन वोट ऑन इट. अगर पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर ले तो वो फिर बन जाएगा द ब्रिटेन लीव्स. ठीक है. वो जो डील लेके आए हैं अगर नहीं तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी. मैं जल्दी से बता देता हूं. एम्बर रोज जो कंजर्वेटिव पार्टी की पेंशन सेक्रेटरी है उनका ये कहना है we should have a second referendum. Achha. Yeah. So Labour Party could be strong position here. Agar ye result nahi aati hai, agar government next month is mein vote haarti hai, then we should have a second referendum. और सेकंड वो इस वक्त जो हो सकता है 70-30 मामला हो जाए क्योंकि उस वक्त जब हाई थी आप कह रहे थे पर वीक 350 मिलियन पाउंड को एक कॉन्सेप्ट था. जी हाँ. तो अब तो थोड़ा सा अवेयरनेस आई है लोगों में अच्छे बुरे की और वो तो अब रेफरेंडम अगर अब होता है तो वो तो रिमेन के तरफ ज्यादा जाने yeah, people, लोगों को पता चल गया बहुत स्कैम मंगरिन हुए. लोगों को डराया गया है. लोगों को गलत बातें बताई गई. ये बात फैक्ट है. ब्रिटेन एक छोटा सा मुल्क है. यहाँ पे रिसोर्सिस कम है. NHS पे इम्पैक्ट हुआ है. एजुकेशन पे इम्पैक्ट हुआ है. ये सारी चीजें रियलिटी है. ये होती है जो आपके मेंबर स्टेट है 28 मेंबर स्टेट जिन्हें कहते हैं EU की जो कंट्रीज है उन जो वो शामिल हुए जो स्मॉल कंट्रीज है जो आई है रिसेंटली लिथुएनिया आप देख लें ये जो स्मॉल लिटिल ग्रुप से इनको उन्होंने जब एंटर करा ग्रीस से उसकी वजह से इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्री मूवमेंट जो होता है बुल्गारिया कंट्रीज ऑफ द स्मॉल जो आई तो बुरे समय नहीं बट दैट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन. उनकी इकोनॉमी वो नहीं थी लेवल जो ब्रिटेन की थी. दे हैव अ नंबर ऑफ इश्यूज. मगर बात ये इस जो European Court of Justice जो सही है उस European Court of Justice ने only on the 10th of December जो अभी ये few weeks ago उन्होंने ये किया था तो अगर ब्रिटेन चाहे लेकिन cancel Article 50 जो Article 50 है वो कानून है the law जो ने trigger कर चुके हैं but the European Court of Justice has said you can cancel अगर तुम जाओ but ये लोग नहीं करेंगे वो they're not going to do it. ये full जाएंगे पार्लियामेंट डिबेट होगी उसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे डिसाइड होगा. अगर वो विन करेगी चीज में तो वो फिर ब्रेक्सिट वो निकलेंगे उसके डील पे. अगर नहीं होगा देन पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू रेफरेंडम. लेबर पार्टी की पोजीशन ये है. जेरेमी कॉर्बिन ने क्या है जेरेमी कॉर्बिन का बताता चलूं. उसने ये क्या है दैट जो विल ऑफ द पीपल है जिन्होंने लोगों ने वोट दी थी 2016 में उसको हमें कैरी करना है. ठीक है. अभी अच्छा ले बट वो कह रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी उसका एक अच्छा डील नहीं करे दे मेक इन अ मेस आ रहा है वो जॉब अच्छा, वो भी चाहते हैं कि ब्रेक्सिट हो लेकिन डील के मामले में वो कह रहे हैं ब्रेक्सिट का जो पब्लिक जिन्होंने वोट दिए उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए. ठीक है. बिकॉज वो दैट्स अ पब्लिक वोटेड फॉर. मगर उनका ये कहना है जो टोरी कर रही है वो मेस कर रही है. थ्रीजा मैंने ब्रिटेन को रिप्रेजेंट नहीं कर सके दुबई शुड बीन जॉब सिक्योरिटी फ्री मूवमेंट जो उनका था इन्वेस्टमेंट टर्म्स के ऊपर उनका डिफरेंस है आपस में लेकिन चाहती लेबर क्यादत भी यही है कि वो भी ब्रेक्सिट की तरफ होगा या जो 51% उनकी वो तो पब्लिक का जुदा. मगर अब जो जेरेमी कॉर्बिन चेंज हुआ है जेरेमी कॉर्बिन का पोजीशन यही था जो पब्लिक ने वो दिया वो तो ठीक है उन्होंने दिया. मगर अगर वो आएंगे वो कहते हैं वी हैव टू लुक एट द सिंगल मार्केट वी नीड टू रिमेन. सिंगल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जॉब्स एंड कस्टम्स यूनियन जो है जहां पे आपके जॉब्स सिक्योरिटी ये चीजें जो है वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेबर तो जेरेमी
में कॉबिंग करें, ये चीजें इनको प्रोटेक्ट करने के पहले रखना चाहिए थ्रीज़ में। बिल्कुल सही मान साहब, बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा इधर भी अवेयरनेस हुई लोगों को, और इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट मंथ क्या होता है फिर आपको हम तकलीफ देंगे, आप जरूर आइएगा, क्या उसमें पार्लियामेंट में मामला होता है। नाज़रीन पहला हिस्सा खत्म हो रहा है, ब्रेक्सिट के बाद हम भी इसमें एग्जिट करते हैं इस पार्ट से, और उसके बाद वापस आएंगे तो इमिग्रेशन के इस पे क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, यूरोपियन कंट्री से काफी लोग आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, या एशियन के क्या हमारे अभी क्या वो मामलात है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। भाई ने कहते हैं इमिग्रेशन पॉलिसी जो थी उनका मैं एक बताता चलो, इमिग्रेशन पॉलिसी जो कह रहे थे अनफेयर थी, नो इट वाज, देखिए अनफेयरनेस इसलिए नहीं थी बिकॉज यूरोपियन का एक उनका एक एग्रीमेंट था, जो एग्रीमेंट होता है वो फेयरनेस पे होता है, तो यूरोप के जो भी जिन्होंने साइन ट्रीटी करी थी तो वहां सकते हैं, इनकी जो थी उसे कहते हैं ईयू ट्रीटी राइट्स, ठीक है ना, तो वो तो ठीक है, जो आउटसाइड है उनका डिफरेंट रूल्स है, मगर अब जो वो ऑफर कर रहे हैं ना वो ये करें जस्ट हाईली स्किल्ड होंगे ना उनको अलाउ करेंगे, तो वैसे नहीं तो भाई जो होम सेक्रेटरी जो ना जो साजिद जावेद है उनका ये कहना था, he doesn't agree with चीज़ मैं वो कह रहे थे, तो उन पे प्रेशर नहीं डालो माइग्रेशन कंट्रोल करने के, उन्होंने कहा था स्किल्ड होना चाहिए और माइग्रेशन पे तुम ये जो क्वार्टर सिस्टम कर रहे हो ना उस पे उनको प्रेशर नहीं डालना चाहिए, सोचते हुए बात चले। नाज़रीन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।